नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूं राशिका बजाज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मेन रोड के कारोबार पर उपद्रव की मार, रोजी रोटी पर मंडराया संकट। रांची आर्मी बहाली ऑफिस के सामने सैकड़ों युवक जमा, सेना की नई नियुक्ति नियमावली का विरोध। रांची हिंसा में शामिल उपद्रवियों के पोस्टर जारी करने पर राजभवन और मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के बीच तकरार। पूजा सिंघल का फ्रेंड विशाल चौधरी फरार, अधिकारियों और राजनेताओं की मस्ती के लिए विदेश में सजाता था महफिल। बिहार में अग्निपथ स्कीम पर भारी बवाल, छपरा में ट्रेन को फूका, आरा में छोड़े गए आंसू गैस के गोले। बिहार से छत्तीसगढ़ और बंगाल के लिए चलेंगी 180 नई बसें, 56 रूटों पर मिलेगी डायरेक्ट सर्विस। राहुल गांधी से पूछताछ पर कांग्रेस का संग्राम, हैदराबाद में लाठी चार्ज, चंडीगढ़ में वाटर कैनन का हुआ इस्तेमाल। देश में पेट्रोल डीजल का संकट, कई राज्यों में पेट्रोल पंप सूखने की खबर, सरकार और तेल कंपनियां बोली घबराए नहीं, सप्लाई नॉर्मल है। पाक में एक झटके में 59 रुपए महंगा हुआ डीजल, पेट्रोल 233 रुपए में बिक रहा। नेपाल में जीती भारतीय शिक्षक क्रिकेट टीम, प्रयागराज की पूनम गुप्ता ने दिखाया टैलेंट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।